ऑल राइट बच्चों, वी स्टॉप एट स्मॉल पैच यस्टरडे। कल हमने स्मॉल पैच पे अपने लेक्चर को रोका था। लेट्स कंटिन्यू इट। आई फॉलोड हिम फ्रॉम हिज क्लियरिंग इन द स्काई। आई फॉलोड हिम, मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा। फ्रॉम हिज क्लियरिंग, उनके साफ किए हुए टुकड़े से। इन द स्काई, जब हम टाइटल डिस्कस कर रहे थे तो हमने बात की थी स्काई इज द मेटाफर फॉर हाइट, बुलंदी का इस्तारा है। तो इसका मतलब क्या होगा? बुलंदी पर उनके साफ किए हुए टुकड़े से, डाउन अ न्यू पाथ, एक नए रास्ते पर। पाथ का सिनोनिम कर सकते हैं पैसेज, PASSAGE, टुवर्ड द डीप वैली बिलो, नीचे गहरी वादी की जानी। मैं बुलंदी पर उनके साफ किए हुए टुकड़े से, एक नए रास्ते पर, नीचे गहरी वादी की जानिब उनके पीछे पीछे चलने लगा। एक बार फिर सुन लीजिए, मैं बुलंदी पर उनके साफ किए हुए टुकड़े से, नीचे गहरी वादी की जानिब एक नए रास्ते पर उनके पीछे पीछे चलने लगा। बट वाई डू यू हैव, लेकिन आपने क्यों बना रखे हैं, क्यों रखे हुए हैं? सो मैनी पाथ्स, इस कदर रास्ते, कमिंग आने के लिए, आने वाले, फ्रॉम द फ्लैट, हमवार जमीन से, अप द स्टीप सेकंड ब्लफ, दूसरी अमूदी चट्टान तक। लेकिन आपने हमवार जमीन से दूसरी अमूदी चट्टान तक आते हुए इस कदर रास्ते क्यों रखे हुए हैं? लेकिन आपने हमवार जमीन से दूसरी अमूदी चट्टान तक आते हुए इस कदर रास्ते क्यों रखे हुए हैं? I asked, मैंने पूछा। Since he had promised, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। अब promise का synonym vowed कर सकते हैं, vowed, committed कर सकते हैं, committed। Since he had promised, क्योंकि उन्होंने वादा किया था, that he would, ये should नहीं है, he would explain, elaborate, कि वो वजाहत करेंगे, दिस इसकी टू मी, मुझे लेटर, बाद में। मैंने पूछा, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे बाद में इसकी वजाहत करेंगे। मैंने पूछा, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे बाद में इसकी वजाहत करेंगे। एक बार फिर ट्रांसलेशन सुन लीजिए पिछली स्लाइड की। पिछली स्लाइड में सर जरा जी, लेकिन आपने हमवार जमीन से दूसरी अमूदी चट्टान तक आते हुए इस कदर रास्ते क्यों बना रखे हैं? मैंने पूछा, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे बाद में इसकी वजाहत करेंगे। क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे बाद में इसकी वजाहत करेंगे। ओह यस, ओह हाँ, ही सेड, उन्होंने कहा, अर्ली लास्ट स्प्रिंग, गुज़िश्ता बहार के आगाज में। उन्होंने कहा, ओ हाँ, गुज़िश्ता बहार के आगाज में, आई कुडंट क्लाइंब, आई कुडंट असेंट, मैं नहीं चढ़ सकता था, स्ट्रेट अप द स्टीप पाथ, सीधा अमूदी रास्ते पर। उन्होंने कहा, ओ हाँ, गुज़िश्ता बहार के आगाज में मैं सीधा अमूदी रास्ते पर नहीं चढ़ सकता था। That was when, ये तब की बात है जब, the doctor ने didn't give me, मुझे नहीं दिया था, a week, एक हफ्ता to live, जीने के लिए। ये तब की बात है जब डॉक्टर ने मुझे जीने के लिए एक हफ्ता भी नहीं दिया था। ये तब की बात है जब डॉक्टर ने मुझे जीने के लिए एक हफ्ता भी नहीं दिया था। एक बार फिर सुन लीजिए, ओ हाँ, उन्होंने कहा, ओ हाँ, गुज़िश्ता बहार के आगाज में मैं सीधा अमूदी रास्ते पर नहीं चढ़ सकता था। ये तब की बात है जब डॉक्टर ने मुझे जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए एक हफ्ता तक नहीं दिया था। आई मेड, मैंने बना लिया, अ लॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री है, ज्यादा लंबा, इजियर कंपैरेटिव डिग्री है, ज्यादा आसान, पाथ, पैसेज, रास्ता, मैंने एक ज्यादा लंबा, ज्यादा आसान रास्ता बना लिया, सो आई वुडंट हैव टू डू, ताकि मुझे ना करना पड़े, एज सो मच क्लाइंबिंग, इस कदर चढ़ाई। मैंने एक ज्यादा लंबा,
और ज्यादा आसान रास्ता बना लिया ताकि मुझे इस कदर चढ़ाई ना करना पड़े। मैंने एक ज्यादा लंबा ज्यादा आसान रास्ता बना लिया ताकि मुझे इस कदर चढ़ाई ना करना पड़े। Then as I got better, he explained, उन्होंने वजाहत की, then as I got better, फिर जैसे जैसे मैं बेहतर होता गया, I made, मैं बनाता गया an other path, एक और रास्ता, that was, जो होता a little steeper, कदरे ज्यादा आमूदी, थोड़ा सा ज्यादा आमूदी। और फिर जैसे जैसे मैं बेहतर होता, मैं एक और रास्ता बना लेता जो कदरे ज्यादा आमूदी होता। उन्होंने वजाहत की, और फिर जैसे जैसे मैं बेहतर होता, मैं एक और रास्ता बना लेता जो थोड़ा सा ज्यादा आमूदी होता। एंड एज आई कंटिन्यूड टू गेट बेटर, और जैसे जैसे मैं बेहतर होता चला गया, आई मेड स्टीपर पाथ्स, मैं ज्यादा आमूदी रास्ते बनाता, और मैं जैसे जैसे बेहतर होता चला गया, मैं ज्यादा आमूदी रास्ते बनाता चला गया। दैट वॉज वन वे ऑफ नोइंग, फाइंडिंग आउट, रियलाइजिंग, ये जानने का एक तरीका था, आई वॉज गेटिंग बेटर, कि मैं रूबा सेहत हूं, मेरी तबीयत बहाल हो रही है, मैं ठीक हो रहा हूं। ऑल द वाइल, हर लम्हा, हर वक्त। अगली स्लाइड नहीं है। That was one way of getting better. ये जानने का एक तरीका था, I was getting better all the time, कि मैं हर लम्हा हर वक्त रूबा सेहत हूँ, ठीक हो रहा हूँ। I followed him down the path, मैं उस रास्ते पर उनके पीछे पीछे चलने लगा। That wound, this way and that, जो इधर उधर बल खा रहा था, three times, तीन गुना था, the length, लंबाई में, फासले में, of the path, उस रास्ते के, we had climbed, जिससे हम चढ़े थे। मैं उस रास्ते पर उनके पीछे पीछे चलने लगा, जो इधर उधर बल्क और लंबाई में, उस रास्ते का तीन गुना था, जिससे हम चढ़े थे। मैं उस रास्ते पर उनके पीछे पीछे चलने लगा, जो इधर उधर बल्क खा रहा था, और लंबाई में, उस रास्ते का तीन गुना था, जिससे हम चढ़े थे। एक बार फिर मुझे पिछली स्लाइड दे, बच्चे इसके ट्रांसलेशन एक बार फिर सुन लीजिए, ये जो दो स्लाइड्स हैं, लास्ट टू स्लाइड्स। जी, मैंने एक ज्यादा लंबा ज्यादा आसान रास्ता बना लिया ताकि मुझे ज्यादा चढ़ाई ना करनी पड़े। देन एज आई गॉट बेटर ही एक्सप्लेन्ड, आई मेड अनदर पाथ दैट वाज अ लिटिल स्टीपर, उन्होंने वजाहत की, फिर जैसे जैसे मैं बेहतर होता, मैं एक और रास्ता बना लेता जो कदरे ज्यादा आमूदी होता। एंड एज आई कंटिन्यूड टू गेट बेटर, और जैसे जैसे मैं बेहतर होता चला गया, आई मेड स्टीपर पाथ्स, मैं ज्यादा आमूदी रास्ते बनाता चला गया। दैट वॉज वन वे ऑफ नोइंग, आई वॉज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम, ये जानने का एक तरीका था, कि मैं हर लम्हा रूबा सेहत हूं, मैं हर लम्हा ठीक हो रहा हूं। I followed him down the path, next slide पर भाई, I followed him down the path, मैं उस रास्ते पर उनके पीछे पीछे चलने लगा, that wound, this way and that, जो इधर उधर बल खा रहा था, three times the length of the path, और उस लंबाई में, उस रास्ते का तीन गुना था, We had ascended, जिससे हम चढ़े थे, पीछे चलेगा, जो इधर उधर बल खा रहा, उस रास्ते का तीन गुना था, जिससे हम चढ़े थे। So beta, that brings the text of this lesson to its end. इस lesson का text यहाँ पर खत्म हुआ. Let's look into its question and answers. इसके question and answers को जरा देखते हैं. Sir, जरा question and answers वाली जो All right, yes, you can see on your screens, जैसे आप अपने screens पर देख सकते हैं, these are a few exercise questions from the lesson, ये lesson से exercise questions हैं. And the question number one states, जो पहला सवाल है,
Why didn't the old man follow the advice of the doctors? बूढ़े शख्स ने डॉक्टर्स की एडवाइस पर अमल क्यों नहीं किया? Because the old how would you answer this question? इस क्वेश्चन को आप properly कैसे आंसर करेंगे? The old man did not follow the advice of the doctors because he was a hard-working man and he had to raise a family of 5 kids. ठीक है ना? आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं या आप लिख सकते हैं the old man had to raise a family of 5 kids, 5 children. उस बूढ़े को 5 बच्चों के खानदान की परवरिश करना थी, कफालत करना थी. He couldn't afford to sit back and relax. वो आराम से बैठना, रिलैक्स करना अफोर्ड नहीं कर सकता था. That's why he did not follow the advice of his doctors. इसलिए उसने अपनी डॉक्टर्स की एडवाइस पर अमल नहीं किया. Question number 2 is what had the doctors told the old man? डॉक्टर्स ने ओल्ड मैन को, उस बूढ़े शख्स को क्या कहा था? The doctors told the old man to sit back and relax. The doctors advised the old man to go back home and live as long as he could with his family. उस old man को doctors ने नसीहत की थी कि वो वापस अपने घर जाए और जितना अरसा रह सकता हो अपने खानदान वालों के साथ रहे. Where did the old man take his son? वो जो old man है अपने बेटे जेस को लेकर गया था. द ओल्ड मैन took his son to the mountain top to show him his clearing in the sky. और जब आप ये clearing in the sky लिखेंगे तो you will write it down in inverted commas. Inverted commas में quotation marks में लिख देंगे because the same happens to be the title of the lesson. बिल्कुल यही जो है lesson का title है. इसलिए आप clearing in the sky अगर लिखेंगे तो उसे inverted commas में place कर देंगे. और बहुत सिंपल सा आंसर है, सिंगल लाइनर है, एक लाइन में जवाब दिया जा सकता है. Where did the old man take his son? The old man took his son to the mountain top to show him his clearing in the sky. Next question है जी, had the son ever been there before? Yes, we have read about it. हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं और आंसर होगा yes, comma, with the exception of last 3 years, the son had been to that boy. To that point, many times in his life. Guzishta 3 saal ke ilaba, beta us makam par. Next question hai ji, what were the names of the vegetables the old man grew on his farm? It's a very simple question. So aap likhenge, the old man grew yams, potatoes, and tomatoes on his farm. This is quite a simple exercise, bahut simple aur easy si exercise hai, and you can easily go about it. Are there any more questions? Why did the old man take the steep path? उस बूढ़े ने अमूदी रास्ता क्यों इख्तियार किया? The old man took the steep path because this was one way of knowing for him that he was getting better all the time. बूढ़े शख्स ने अमूदी रास्ता इख्तियार किया क्योंकि ये उसके लिए जानने का एक तरीका था कि वो हर लम्हा रूबा सीहत है. आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, why did the son at the age of 6 cry? This was that incident of the plow. वही हल वाले incident की यहाँ पर बात करनी है. His father made him a wooden plow. उसके बाप ने उसे एक लकड़ी का हल बनाकर दिया था. He lost that plow in a furrow. वो किसी खलियान में उस हल को खो बैठा. That's why he cried at the age of 6. इसीलिए वो 6 साल की उम्र में रोया था. Next question है जी, what were the feelings of the old man at the age of 70? 70 साल की उम्र में उस बूढ़े शख्स के एहसास क्या थे? The old man felt quite nostalgic. याद रहे, गौर से सुनिएगा. The old man felt quite nostalgic at the age of 70. Nostalgic, NOSTALGIC, nostalgia से है. Nostalgia किसे कहते हैं? To remember your past, अपने माजी को याद करना. The old man felt quite nostalgic at the age of 70. His spirits were high. He wanted to go back to the places he knew and loved. वो बूढ़ा जो है बहुत nostalgic feel करता था. उसके spirits, उसके जज्बात बुलंद थे. वो उन जगहों पर जाना चाहता था जिन्हें वो जानता था और जिनसे वो प्यार करता था. Why had the old man planted his secret garden? The old man loved this mountain because he spent
his youth farming this mountain with his wife. Moreover, he wanted to taste the vegetables grown in this new land. That's why he planted his secret garden on the mountain top. तो क्या होगा कि बूढ़ा जो है इस माउंटेन से मोहब्बत करता था क्योंकि उसने इस माउंटेन को अपनी बीवी के साथ काश्त करते हुए अपनी जवानी उसने यहीं गुजारी थी. दूसरी बात क्या थी कि वो इस नई जमीन में उगी हुई सब्जियां चखना चाहता था, इसलिए उस बूढ़े शख्स ने अपना सीक्रेट गार्डन जो है माउंटेन टॉप पर प्लांट किया था. सो बेटा, दीज आर योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस. फॉर फर्दर असिस्टेंस यू व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर देम फ्रॉम द सनशाइन कॉम्प्रिहेंसिव. आप इसे सनशाइन कॉम्प्रिहेंसिव से प्रिपेयर कर सकते हैं. और एज आई ऑलवेज से, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, दिस इज नॉट नेसेसरी दैट questions will be taken from the exercise only. ये लाजमी नहीं है कि questions सिर्फ exercise से ही आए. तो इसके लिए अच्छा ये होता है कि जो sunshine comprehensive में आपको additional questions दिए गए हैं from the lesson, तो while preparing the exercise, जब आप exercise को prepare कर रहे हो, तो make sure you also go through the additional questions. लाजमी है कि आप additional questions को भी साथ साथ तैयार किया कीजिए, so that you may be able to prepare the lesson all possible एंगल्स, हर तरह से जो है आप अपने लेसन को कवर कर सकें और उसमें कोई लूपहोल बाकी ना रहे. और फिर जस्ट लाइक एवरी अदर लेसन इन बुक वन के हर लेसन की तरह, इस लेसन में भी जब आप इस लेसन को तैयार कर रहे होंगे, यू विल टेक केयर ऑफ द सिनोनिम्स. आप सिनोनिम्स का ख्याल करेंगे. यू विल बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से तैयार करनी है. उसके बाद यू विल टेक केयर ऑफ द एमसीक्यूज. एमसीक्यूज की भी एक्सरसाइज दी जाती है. एक्सरसाइज में आपके पास एमसीक्यूज की एक ड्रिल होगी. गो थ्रू दैट, वो एमसीक्यूज कीजिए और उसके बाद जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स भी साथ साथ प्रिपेयर कीजिए. दैट वाज योर लेसन टू बेटा. इंशाल्लाह टुमारो वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट चैप्टर. कल हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे.